आज हम बात करेंगे कि डेनिश लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है, कैसे आप सीख सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। दीपू अभी लैंग्वेज स्कूल जा रहा है 1-1.5 साल से, काफ़ी कुछ सीख लिया है उसने। और मैंने फिनिश कर दिया था अपना स्कूल आई थिंक 2020 में। तो हम दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डेनिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत क्या है। हो सकता है आपका वर्क लैंग्वेज इंग्लिश हो, सारे कलीग्स आपसे इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं, लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक होगा आपके डेनिश कलीग्स आपस में गिटपिट डेनिश में करने लग जाएंगे। और उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएंगे, वो जोक्स मार रहे हैं, करंट सिनेरियोस के बारे में बात कर रहे हैं और आप आउट ऑफ सर्कल फील करोगे। और दूसरा, जब यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं या फिर कोई इवेंट रखा है ऑफिस वालों ने, तो वहाँ पे कोई कॉमेडियन है या फिर कोई मोटिवेटर है, वो भी डेनिश में बात करेगा और आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। उस टाइम पे भी आप आउट ऑफ प्लेस फील करोगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ी बहुत डेनिश सीखो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। जैसे कि कोई बंदा, इवन आप फॉरेनर्स ही हो दोनों, इंटरव्यू के लिए आए हो, एक बंदा डेनिश बोलने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है और आप बिल्कुल नहीं बोल रहे, तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो डेन्स होंगे, ऑब्वियस है यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो और उनमें से जो थोड़े से ओल्ड एज हैं या फिर 60s 70s में हैं, वो प्रेफर करेंगे कि आप डेनिश बोलो क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में। तो उस केस में आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अगर आप थोड़ा बहुत भी कोशिश करते हो सीखने की। और अगर आप एज अ स्पाउस आ रहे हो यहाँ पे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा खुल जाती हैं। जैसे अगर आपने किसी शॉप में जॉब करनी है, ग्रॉसरी स्टोर में जॉब करनी है, या फिर जो अभी स्टार्टिंग कंपनीज़ हैं उनमें जॉब करनी है, तो वहाँ पे आपको डेनिश आनी चाहिए। अगर आप अभी इंडिया में हो ना, आप वहीं से सीखना शुरू कर सकते हो। एक ऐप है डुओलिंगो, जो मैंने भी यूज़ करी थी, बहुत ही अच्छी इंटरेक्टिव ऐप है। उसमें आपको वो बोलना भी सिखाता है, सुनना भी सिखाता है, राइटिंग और रीडिंग भी है उसमें। और उसमें ऐसे ना कुछ बैचेस मिलते हैं, तो आप मोटिवेटेड फील करते हो कि आप ये बैच भी लेना है, वो बैच भी लेना है। और साथ में उसमें स्ट्रीक्स बनती हैं, जैसे आपके उस स्नैपचैट में बनती है, तो वो भी एक और रीज़न है मोटिवेटेड रहने का। और अगर आपको पहले से ही 2-4 शब्द भी आते हैं ना, तो आप यहाँ लैंग्वेज स्कूल जाने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे, आपको उतनी रेजिस्टेंस नहीं आएगी अंदर से कि हाँ बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज होगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो वाला एक फैक्टर आपका कम हो जाएगा। आप डेनमार्क में हो और आपके पास रेजिडेंस परमिट है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्क पे आए हो या फिर आप स्पाउस हो, आपके लिए डेनिश लैंग्वेज बिल्कुल फ्री है। आपके पास जैसे येलो कार्ड आता है ना, हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं उसको, तो आप किसी भी लैंग्वेज स्कूल में जाके अपना एडमिशन करवा सकते हो। आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है 2000 क्रोन्स की, और वो जब आप लैंग्वेज स्कूल फिनिश कर देते हो तब वो आपको रिफ़ंड भी हो जाती है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको छुट्टी बिना बताए नहीं मारनी। ये नहीं कि आप महीना महीना गायब हो जा रहे हो, बीच में 2-2 महीना गायब हो जा रहे हो, टीचर को पता ही नहीं है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। उस केस में आपको एडमिशन दोबारा लेनी पड़ेगी, नया बैच स्टार्ट करना पड़ेगा, फीस भी 2000 करोड़ है जो दोबारा देनी पड़ेगी। वो तो शुक्र है डेनमार्क में लैंग्वेज सीखना फ्री है। जर्मनी में जाओगे ना, अपनी जेब से 200 यूरो देके पर मॉड्यूल जर्मन सीखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंपनीज क्रैश कोर्सेज भी करवाती हैं इन केस फॉर पीआर रीजन, और अगर आप स्पाउस हो तो बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है कि आप आते ही 6 महीने फुल टाइम इस क्रैश कोर्स में दे दो। आपको काफ़ी डेनिश की नॉलेज हो जाएगी, आप रिज्यूमे में लिख सकते हो, जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाएंगी। मेरे से थोड़ी गलती हो गई है ये वाली, पर आप कर लेना। कुछ कंपनीज है जैसे UC+, आप इंटरनेट पे देख लेना कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, आपके लोकेलिटी के पास हैं या नहीं। पहले 5 साल मिलेंगे आपको स्कूल ख़त्म करने को, और किसी को भी ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 साल पूरा कोर्स ख़त्म करने में लगते हैं, लेकिन अगर आप इससे लेट करते हैं तो एक्सपेंसेस ऑन यू। डेनिश लैंग्वेज के 3 कोर्सेज होते हैं, DU1, DU2 और DU3। DU1 उनको ऑफर होता है जो इंग्लिश पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते। DU2 उनको ऑफर होता है ज़्यादातर जो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और DU3 जिन्होंने हायर एजुकेशन भी ली है। DU2 में आप ज़्यादातर स्पीकिंग पे फोकस करते हो, और DU3 में आपको स्पीकिंग प्लस राइटिंग पे फोकस करवाया जाता है, और इस वाले में आपको होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मिलता है।
तो मैंने चूज किया DU4, डेनिश लैंग्वेज का DU3 और ये। एग्जाम फॉर्मेट तो लगभग हर मॉड्यूल का सेम ही होता है। पहले में राइटिंग नहीं होती क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर होते हो, लेकिन बाकियों में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग यही सब रहता है। ग्रेडिंग सिस्टम में इनके 7 लेवल्स रहते हैं जो कि स्टार्ट होता है -2 से, 0, 2, 4, up to 12। 2 वाला पास होता है, तो पास होना इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप क्लास में अटेंटिव रहो, अपना होमवर्क करो, जो कि करने में लगभग 15 ही मिनट लगते हैं। छोड़ दोगे भाई, कर देंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि डेनिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितने एफर्ट्स डालना चाहते हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 2 साल से 3 साल के बीच में कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे 5 साल 10 साल रह रहे हैं और उनको अभी तक भी लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है सीखने के लिए और आप कितनी एनर्जी डालना चाहते हो। फाइनल एग्जाम साल में 2 बार होता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि इतने स्कोर के साथ इस लेवल पे आपने डेनिश लैंग्वेज कंप्लीट कर ली है। पर बाकी के जो मॉड्यूल के एग्जाम है वो आप अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हो अपने टीचर से बात करके। मान लो आपको जल्दी है और आप जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म कर रहे हो, तो आपको पूरी क्लास का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से दैट इज़ फ्लेक्सिबल। जैसे कोपेनहेगन में 3 स्कूल हैं और बाकी शहरों में साइज़ के हिसाब से 2 या 1 में भी स्कूल होगा, या फिर कई बार तो 1 भी नहीं होता, आपको दूर शहर में, बड़े शहर में जाना पड़ता है। पूरे डेनमार्क की बात कर रहा हूँ मैं। जाता हूँ ग्लॉस्टो वाले स्कूल में, क्योंकि पहले हम उसी के आसपास रहते थे तो वो हमें पास पड़ता था। अब मैं यहाँ पे आ गया, कोपेनहेगन में रहते हैं अब हम, तो यहाँ पे भी एक पास में स्कूल है जो मुझे ज़्यादा पास पड़ेगा, लेकिन बीच में मैंने क्लास स्विच करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि फिर टीचर बदलता है, फिर मतलब आपको एक आदत हो जाती है ना टीचर की। तो मैंने सोचा कि ये मॉड्यूल पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर ही टीचर बदलूँगा और स्कूल बदलूँगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितनी पास है, स्कूल कितनी दूर है, तो आप सबसे पास वाला सेलेक्ट कर लो। आपको याद है हम बचपन में करते थे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये बोल के दिखा बार बार, है ना? तो इन्होंने भी कुछ बना रखा है, रुल गुल मेल फुल। नहीं, अभी भी नहीं बात बनी। रुल गुल मेल फुल। तो मतलब ऐसा ये आपको डेयर करते हैं कि ये बोल के दिखा, और फिर ही तो डेनिश बोलता माना जाएगा। पर कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते मेरे जैसे। डेनिश का ना ऐसे भी मजाक उड़ाते हैं कि इट साउंड्स लाइक जैसे किसी ने आपके मुंह में गरम आलू रखा हो और आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। एक नॉर्वेजियन कॉमेडियन है, वो तो कहता है इट साउंड्स लाइक समवन इज ड्रंक एंड मेकिंग नॉइसेस। जोक्स अपार्ट, अगर आप सचमुच इंटरेस्टेड हो ना डेनिश सीखने में, एकदम सीरियस हो, तो dr.dk पे जाके आपको पॉडकास्ट सुनने हैं, आपको डेनिश फिल्में देखनी है, और एक इनकी एक क्लासिकल सीरीज है मेटाडोर करके, आप इंडियन मालगुडीज लगा लो उसको, वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि जिससे भी बात करोगे वो ये वाली सीरीज़ ज़रूर रिकमेंड करता है। एक तो आपके पास बात करने को कुछ हो जाएगा, दोस्ती करने को, दोस्ती बढ़ाने को, और आपकी डेनिश तो सुधरेगी। जब मैं डेनमार्क आई, मेरे एक मैनेजर और कुछ कलीग्स ने मुझे मोटिवेट किया कि लैंग्वेज स्कूल जा, ठीक है? और मैंने भी एक टारगेट बना लिया कि 2 साल के अंदर मैं ख़त्म कर दूँगी। जाना शुरू किया, Module 1, 2, 3 ठीक ठाक निकल गए। मैं ऑफिस के बाद जाती थी, चलो थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि आप काम करके आ रहे हो, फिर खाना बना रहे हो, फिर स्कूल जा रहे हो, लेकिन चलता गया सिलसिला। मैं वीकेंड्स में होमवर्क करती थी और साथ में कुछ ऑडियो फाइल सुनती थी कि डेनिश कानों में जाती रहे और समझ में आता रहे कि क्या है। तो Module 3 तक तो सिलसिला सही निकला। Module 4 आया और इतनी मुश्किल हुई ना, क्योंकि वहाँ पे रिटन चीज़ें बहुत आने लग गई। आपको एसेज लिखने पड़ते हैं, आपको पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं, आपको लेटर्स लिखनी पड़ती हैं, और ग्राफ पे भी लिखना पड़ता है कि अच्छा ये क्या बता रहा है भाई। तो वहाँ पे आते आते ऐसी मुसीबत आने लग गई। पर मैंने कहा यार, लंबा खींचने से बढ़िया है कि कोर्स ख़त्म करो। तो प्रैक्टिस करती रही मैं, और मेरा 2 साल में हो गया कोर्स कम्प्लीट। बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, लगा सकते हो आप 50-60% में मैंने खत्म कर दिया कोर्स।
टेक्निकल चैलेंजेस पर बात कर लेते हैं जो आप ये लैंग्वेज सीखते हुए फेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जो इनके वॉवल्स हैं और काफ़ी सारे वर्ड्स, ये जीप बाहर निकाल के बात करते हैं, और हिंदी, पंजाबी, इंडियन लैंग्वेजेस ज़्यादातर जीप उसमें अंदर टच होती है, तो इनकी जीप बाहर निकलती है, हमारी अंदर टच होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके थ्री वॉवल्स हैं जो है ओ, अ, उ, मतलब अ, अ, उ, तो जीप ऊपर रही एक बार, फिर नीचे आई, फिर थोड़ी सी वापस फोल्ड हुई। ऐसा ये आपको क्लास में सिखाएंगे, और मतलब बहुत ही फनी सिनेरियो हो जाता है जब मतलब 30-30, 40-40 बच्चे, हमारे बैच में ज़्यादा क्योंकि यूक्रेनियंस की वजह से, वैसे ज़्यादातर 10 होते हैं, 10-15, तो जब सारे इकट्ठे मिल के आप करते हो सीन होता है देखने वाला। जो लिखते हैं वो पढ़ते नहीं, मतलब डी कई बार डी होता है, कई बार एल होता है, छोटा एल, कटा एल, आधा एल, पता नहीं किसी तरह का एल साउंड करता है, और कई बार साइलेंट होता है। जे को पढ़ते हैं वाई, जेंस नहीं, येंस, जे ई एन एस बन गया येंस। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, जैसे कि इंग्लिश में तो एक रूल है ना, अ लगेगा सबके आगे, एन लगेगा सिर्फ वाउल्स के आगे, और दूसरी बार रिपीट होगा तो द। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, अ कार, इन बील, अ हाउस, इट हुस, जो इन और इट ये दो वर्ड है ना, इनके लिए कोई रूल नहीं है, बस आपको रट्टा मारना पड़ेगा और याद रखने पड़ेंगे कि किसके साथ इट है, किसके साथ इन है। अच्छा, फिर वो कुछ फनी वर्ड्स और नेम्स पे तो हम बात कर ही चुके हैं, कॉक, शेफ, लून, इट्स अ सरनेम हियर। ओ, फेल तो नहीं हुई ना मैं, ठीक है, मैंने एक बारी में पास किया, लैंग्वेज स्कूल भी, ड्राइविंग भी, और थ्योरी की ड्राइविंग भी, ठीक है। बहुत बहुत नंबर ज़रूरी होते भी नहीं है लैंग्वेज में, लोगों के भी ऐसे ही आते हैं।